नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर लोग। और दूसरा, नीतीश कुमार जी के मन में लालच हो गया, यह सारा कागज नीतीश कुमार और लोग, तो इनको लग रहा है कि यही मौका है इन लोगों के साथ मीठा मीठा बात करो, और यह पूरा परिवार जब जेल में जाएगा तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल हम हड़प लेंगे। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है। बीते दिनों से जिस तरीके से जो एनडीए की गठबंधन थी जदयू और बीजेपी का, वो गठबंधन टूट चुकी है और अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जितने भी तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, वो अब जदयू और नीतीश कुमार पर हमला करते नहीं थक रहे। और वहीं अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने नीतीश कुमार पे बहुत बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं और नीतीश कुमार का जो PFI और जो SDPI के लोग हैं, उन लोगों से इनका संबंध है। और वो जैसे ही अब RJD के साथ गए गठबंधन करके, तब RJD को ही बहुत जल्दी निपटा देंगे। और भी क्या कुछ कर रहे हैं संजय जायसवाल, अब देखिए इस वीडियो में। कि जो PFI के लोग हैं, जो SDPI के लोग हैं, वह उनकी नीतीश कुमार के अफसरों से मिली भगत है और वोटर वह राजद के हैं। तो इसलिए यह अफसर और वोटर मिल करके एक पूरा गठजोड़ बनाने के लिए हुआ कि भाई आप दोनों मिल जाए, नहीं तो यह जो NIA की जांच हो रही है इसमें सब लोग फंसेंगे, इसमें बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारी फंसेंगे। अगर इससे बचना है तो एक ही काम है कि यह गठजोड़ तोड़ना होगा। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण गठजोड़ टूटा। और दूसरा, नीतीश कुमार जी के मन में लालच हो गया कि हम 1990 में जिस तरह से युवा जनता दल के अध्यक्ष थे देश के, हम इस बार पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल को लीड सकते हैं। काहे कि वह खुद जानते हैं 2007-08 में किसने मनमोहन सिंह को कागज दिया था। यह जो IRCC घोटाला है जिसमें हृदय आनंद और भोला यादव आज जेल की हवा खा रहे हैं, यह सारा कागज नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया था। और आज हमसे भी पूछा जाता था कि क्यों नहीं ये लोग जेल जा रहे हैं। और जब आज वो दोनों जेल चले गए और यह दिख रहा है कि एक पूरा परिवार जेल में जाएगा, तो इनको लग रहा है कि यही मौका है इन लोगों के साथ मीठा मीठा बात करो, और यह पूरा परिवार जब जेल में जाएगा तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल हम हड़प लेंगे। यह सबसे बड़ी साजिश है। अभी आपने सुना जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनके साफ तौर पर कहना है कि जो PFI और जो SDPI के जो लोग हैं, उन लोगों से नीतीश कुमार का और उनके अधिकारियों का संबंध रहा है और इसी वजह से नीतीश कुमार डर के बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और वहीं उनका ये भी कहना था कि अब वो RJD के साथ गए हैं तो RJD को बहुत जल्दी निपटा देंगे। और भी क्या कुछ करें आपने देखा इस वीडियो में। बस ऐसी तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।